नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। औरैया में पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने कई निरीक्षक और उप निरीक्षक के तबादले किए हैं। शशांक राजपूत औरैया कोतवाली से प्रभारी निरीक्षक विधुना बनाए गए हैं, तो वहीं विधुना कोतवाल राजकुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सहायल बनाए गए हैं। अखिलेश कुमार जायसवाल एरवा कटरा से अपराध शाखा औरैया और जनपद के सबसे विवादित निरीक्षक सुधीर सिंह एरवा कटरा थाना इंचार्ज बनाए गए हैं। इसके अलावा निरीक्षक आलोक कुमार दुबे फफूंद एसओ बनाए गए हैं। मुरादाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने पत्रकारों से हुई अभद्रता का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ है कि इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल पत्रकारों को धक्का देकर एक कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रहे हैं। ये वीडियो बीते दिनों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के संभल दौरे का है। वायरल वीडियो संभल के चंदौसी शहर के कार्यक्रम का बताया जा रहा है। सिंगरौली जिले के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल सहित सिंगरौली विधायक रामलल्लू वैश्य की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के एक साल पूरा करने पर स्वर्णिम एक साल करार देते हुए उपलब्धियां गिनाई गई। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सिंह ने बताया कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी। प्रतापगढ़ पुरानी रंजिश के चलते युवक की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है। युवक किराने की दुकान पर सामान खरीदने गया था। सोनू खान प्रधान प्रत्याशी तीन अज्ञात के साथ मुन्ना सिंह की पिटाई की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मामला जेठवारा कोतवाली क्षेत्र के हरिहर केल्हा गांव का है। पीलीभीत में दो सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीती देर शाम दोनों शौच के लिए निकली थी। एक का शव देर रात गांव के बाहर ईंट भट्टे के पास मिला, तो वहीं दूसरी का शव सुबह पेड़ से लटका मिला। दोनों बहनों के गले में चोट के निशान भी मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रामपुर थाना केमरी क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग पर दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव महिला और पुरुष का है। दोनों की उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है और हत्या होने की भी आशंका जताई जा रही है। गोरखपुर में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से आए नाथ संप्रदाय के योगी सूरजनाथ जी महाराज ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान प्रसिद्ध इमामबाड़ा में 300 वर्षों से ज्यादा समय से जल रही बाबा रोशन अली शाह की धुनी के दर्शन किए। नगर भ्रमण के क्रम में योगी सूरजनाथ जी गोरखपुर की प्रसिद्ध दरगाह हजरत मुबारक खां शहीद पहुंचे, जहां उन्होंने सूफी संत मुबारक खां शहीद की दरगाह पर चादर पेश की। यहीं पर उन्होंने रचनाकार प्रेमचंद की कलजई रचना ईदगाह में वर्णित ईदगाह का भी दर्शन किया। संभल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 40 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करों द्वारा जनपद में होली के त्योहार और चुनाव के बीच अवैध शराब की एक खेप पूरी तरह खपाने की तैयारी थी, जिसको संभल की बहजोई पुलिस ने नाकाम कर दिया। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कार्यालय के पास एक मामूली विवाद के बाद एक युवक के पेट में आरोपियों ने कैंची से ताबड़तोड़ वार कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को सीएचसी बेवर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। मेरठ एसपी कैंट सूरज राय ने अवैध शराब को लेकर होटल्स पर छापेमारी की। छापेमारी की सूचना पर होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। होटलों से तीन युवकों को हिरासत में लिया गया है। युवक के पास से एक तमंचा भी बरामद हुआ है और काफी मात्रा में बियर और शराब भी बरामद हुई है। ये पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के वैशाली रोडवेज का बताया जा रहा है। अम्बेडकर नगर में अपने घर के सामने बैठे वृद्ध को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया। वृद्ध की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने नशे में धुत ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के राजपुर धावा के पास अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग की घटना। संभल के चंदौसी में सिलेंडर से वैन गाड़ी में गैस भरते समय भीषण आग लग गई। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तमाम कोशिश की आग बुझाने की, लेकिन सफल नहीं रहे। इसी बीच सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बदायूं में साधु की धारदार हथियार से वार कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। अर्धनग अवस्था में गांव की सड़क पर उसका शव मिला। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। ओझानी कोतवाली क्षेत्र के मिहौना गांव की यह घटना, यहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कानपुर के बर्रा जौली फेज 2 इलाके में महिला का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव उसके ही घर में मिला। दो दिन पहले ही मृतका के पति ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब घर के मुख्य द्वार से बदबू और खून निकलता पड़ोसियों ने देखा, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शव के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर में हथौड़े से वार कर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की संदिग्ध मौत में
मृतक की मां और बहन ने मृतक के भाई और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्र को हथौड़े के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से मृतक बीमार चल रहा था, इसी से परेशान होकर पिता और भाई ने हत्या की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची नगर कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सिंगरौली जिले के सरई तहसील क्षेत्र अंतर्गत तेदुआ गांव में पिछले दो महीने से ट्रांसफर जला हुआ है। ग्रामीण इसकी शिकायत लगातार कर चुके हैं। कलेक्ट्रेट राजीव रंजन मीना से लेकर बिजली कंपनी के अफसरों से इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक भी कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने का कहना है कि बिजली कंपनी के डी से एक दर्जन से अधिक बार शिकायत की है, लेकिन अफसर सुनने को तैयार नहीं है। बिजली गुल होने की वजह से 1000 से ज्यादा किसान परेशान है। और इसी के साथ यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।